हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूँ। जी हाँ, इस बार जून महीने के पोषाहार के संबंध में शुरू से लेकर लास्ट तक ले मैंने आप सभी को एक एक अपडेट दी है कि किस प्रकार आवंटन के चलते काफी लेट से पोषाहार वितरण हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैंने अनुमान लगाया था कि कल यानी 29 जून को जून महीने का पोषाहार वितरण कई जिलों में हो सकता था, और फाइनली इसके संबंध में लेटर आ चुका है। चूंकि दो दिन पहले यानी 26 तारीख के डेट में ICDS डायरेक्टर की ओर से जो है पूरे बिहार के DPO को लेटर जारी किया गया था कि अग्रिम भुगतान मद से जो है जून महीने का THR का पैसा दिया जाए। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को आज या कल में THR का पैसे उठाने के संबंध में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या बैंक से निर्देश आया है या नहीं आया हुआ है, क्योंकि मेरे अनुमान के मुताबिक आज कल परसों में लगभग सभी जिलों परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्र पर THR का पैसा मिल जाएगा। इसी बीच जो है THR वितरण करने का डेट भी कुछ जिलों में आ चुका है, उसी में से एक जिला है मुजफ्फरपुर, जहां कल ही यानी 29 जून को ही जून महीने का THR का वितरण होगा। चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखाते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ध्यान से इसलिए देखिएगा क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी के लिए अनुमान लगाया था कि इस महीने के अंत तक जून महीने का THR का पैसा मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपके परियोजना में आपके आंगनवाड़ी केंद्र के लिए THR पैसे का आवंटन का मैसेज आ गया होगा आपको व्हाट्सएप में या बैंक के द्वारा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बात पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपके परियोजना में इस महीने के लिए यानी जून महीने के लिए THR राशि आवंटन या उठाव के संबंध में बैंक से या ऑफिस से मैसेज मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि जैसा कि मैंने अनुमान लगाया है कि हर हाल में आपको एक दो दिनों में पैसा जरूर मिल जाएगा। देखिए THR के डेट के संबंध में जो है अब लेटर निकलना शुरू हो चुका है, क्योंकि मैंने अनुमान लगाया था कि 29 जून को वितरण होगा। तो ध्यान से देखिएगा किस जिले में कब वितरण होगा। मुझे एक जिले का लेटर प्राप्त हो चुका है। देखिए मुजफ्फरपुर जिले के DPO ऑफिस से लेटर जारी किया गया है। कार्यालय आदेश है, लिखा गया है ICDS निदेशक निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक 38/33 दिनांक 26 जून 2024। ये वही लेटर है जिसके बारे में मैंने आपको कल सुबह में जानकारी दी थी कि जून महीने के THR वितरण के लिए पोषाहार मद के अस्थायी अग्रिम मद में शेष राशि से पोषाहार संचालन का निर्देश प्राप्त हुआ था। आवंटन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए ICDS डायरेक्टर का निर्देश आ गया था। निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक कितना दिनांक कितना के आलोक में DM मुजफ्फरपुर के आदेश 27 जून, ध्यान सुनिएगा, कल शाम को यह आदेश मुजफ्फरपुर DM के द्वारा जारी किया गया है, और यहाँ पर संचिका और इसका प्रसंग लिखा गया है। इसके निर्देशानुसार माह जून 2024 के THR वितरण हेतु दिनांक 29 जून 2024 को तिथि निर्धारित की जाती है। यानी कि मुजफ्फरपुर जिले के हर एक परियोजना में कल यानी कि 29 जून को ही THR का वितरण हो जाएगा। जून महीने का पोषाहार कल ही बांट देना होगा। तो कहीं ना कहीं आवंटन यहां पर आज या कल में सब केंद्र पर जो इसका पोषाहार का THR का पैसा बैंक से मिल जाएगा। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि आपके यहां आवंटन आया है कि नहीं। लिखा गया सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को स्वयं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के सतत अनुश्रवण में THR वितरण कराना सुनिश्चित करें। तत्संबंधी सूचना उस दिन शाम 4 बजे तक अनिवार्य रूप से अधोसाक्षरी को देना सुनिश्चित करें ताकि उच्च अधिकारी को प्रतिवेदित किया जा सके। यानी कि जल्द जल्दी पोषाहार का पैसा बैंक से पेमेंट करा करके 29 तारीख को ही यहाँ पर THR का वितरण मुजफ्फरपुर जिले में होगा। इसका ज्ञापांक 1385 और यहाँ पर लेटर का डेट देख पा रहे हैं 27 जून का लेटर का डेट कल शाम को जारी किया गया है, और ये मुजफ्फरपुर जिले के DPO का यहाँ पर सिग्नेचर आपको दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपके जिले में भी THR का डेट का संबंध लेटर है, अगर लेटर कोई आता है THR के लिए या किसी भी प्रकार के लिए संघ का या बिहार सरकार भारत सरकार, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जरूर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली इस यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।